जिन ताकतों ने यूक्रेन, अफगानिस्तान, बांग्लादेश को तबाह किया, वही गुप्त इकोसिस्टम अब भारत में भी तेजी से एक्टिव हो रहा है। इसे डीप स्टेट कहा जाता है। डीप स्टेट को जिस भी देश का बेड़ा गर्क करना होता है, वो अपने दलालों को बड़ी प्लानिंग के साथ प्रोजेक्ट करता है। जैसे कि कुछ साल पहले यूक्रेन की राजनीति में एक कॉमेडियन ज़ेलेंस्की को उतारने के लिए उनका मेकओवर किया गया। उन्हें वो चीजें करवाई गई जो आम लोग करते हैं, जैसे जिम जाना, बस ट्रेन में सफर करना। ये एक साइकोलॉजी होती है ताकि आम लोग उन्हें खुद से कनेक्ट कर सके, और इस तरह तैयार हुई ज़ेलेंस्की की छवि। इस काम में कुछ यूट्यूबर और कुछ पत्रकारों को खरीदा गया जो इन्हें जननायक बनाने में लगे रहते थे। फिर क्या, ज़ेलेंस्की प्रेसिडेंट तो बन गए, लेकिन यूक्रेन तबाह हो गया। बस एक जिद के कारण कि नाटो में जाते ही यूक्रेन की सारी समस्या खत्म हो जाएगी। जैसे आज राहुल गांधी को लगता है कि जाति जनगणना हर समस्या का हल है। आज जो राहुल गांधी को आप कभी डीटीसी बस, कभी जिम में, कभी लोकल ट्रेन में एक्टिविटी करते देख रहे हैं, वो उसी डीप स्टेट का हिस्सा है। ये भी उसी सोची समझी प्लानिंग का हिस्सा लगता है। वो उनकी इर्रेस्पॉन्सिबल, इमेच्योर, पप्पू वाली इमेज को पॉलिश करवा रही है। क्योंकि ये तो बड़ी बेसिक सी बात है कि जो इंसान अपनी सरकार में 2009 मुंबई अटैक के समय घटना स्थल तक नहीं गया, हमले की रात पार्टी कर रहा था, 2012 उत्तराखंड बाढ़ के 3 दिन बाद उसकी आँख खुली, उसे अचानक जनता की परवाह क्यों होने लगेगी? क्योंकि ये सब कुछ साइकोलॉजी का खेल है जिसमें व्यक्ति का माइंड सेट ट्रैप हो जाता है। असल में राहुल गांधी से कोई व्यक्ति तब तक नहीं मिल सकता जब तक उन्हें इसमें राजनीतिक फायदा ना दिखता हो। ये जो तथाकथित वीडियो रिलीज की जाती है, वो सब प्री प्लान्ड होता है। स्क्रिप्ट, कैमरा सेटअप सब तैयार होता है, बस राहुल गांधी को वहां जाकर एक्टिंग करनी होती है। ये तमाम डॉट्स गवाही दे रहे हैं कि राहुल गांधी एक नेता नहीं, बल्कि डीप स्टेट की कठपुतली बनकर भारत विरोधी ताकतों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं।